संबल में मकान निर्माण के दौरान दबंग पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिता पुत्र को गोली मार दी। पूरा मामला नखासा थाना इलाके के दीपासराय मोहल्ले का है, जहां मकान निर्माण के दौरान मकान स्वामी को कुछ मिट्टी की जरूरत पड़ी तो उसने पड़ोस में होने वाले बोरिंग से कुछ मिट्टी लेने मजदूर को भेज दिया। इतने में पड़ोसी भड़क गया और मकान स्वामी के साथ विवाद करने लगा, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने दोनों पिता पुत्र को गोली मार दी, जहाँ उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि पूरा मामला नखासा थाना इलाके के मोहल्ला दीपासराय का है, जहां मोहम्मद शारिक जो कि रिटायर्ड टीचर हैं, वे अपना मोहल्ले में मकान का निर्माण करा रहे थे, जिसको लेकर उनको कुछ मिट्टी की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने एक मजदूर को पड़ोस में हो रहे बोरिंग से कुछ मिट्टी लेने भेज दिया। आरोपी की मिट्टी लेने गए मजदूर को आरोपी ने वहाँ से भगा दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मामूली विवाद हो गया। विवाद बढ़ता देख मोहल्ले वालों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मकान स्वामी को डराने धमकाने पहुंचा, जहां दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंग पड़ोसी ने दोनों पिता पुत्र को गोली मार दी। गोली लगने से दोनों पिता पुत्र घायल हो गए और आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर दो थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायल पिता पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। हाँ सर, दो पक्षों में सर विवाद हुआ है, इसमें एक को गोली मार दी गई है, सर क्या पूरा मामला है? ये थाना नखासा क्षेत्र में दीपासराय मोहल्ला है, वहाँ के एक रिटायर्ड टीचर थे, उनका मकान निर्माण हो रहा था, उनको मिट्टी वगैरह कम पड़ा था तो उन्हें चौक पे बोरिंग हो रहा था, वहाँ से मिट्टी लेने के लिए मजदूर को भेजा था। ये वहीं पे मोहल्ले का ही एक लड़का था, ऐसे काम उसने मजदूर को गाली गलौज करके भगा दिया। उसके बाद इनके लड़के से उसका विवाद हुआ, तो इनके घर के सामने आके तमंचे से फायर कर दिया इनके ऊपर, इससे दोनों लोगों को जो है छर्रे लगे हैं पीठ में, और इसको जो है इनके लड़के को छर्रा लगा है जो है पीठ में और सर में, इनका इलाज यहाँ चल रहा है। पकड़ने के लिए जो है दबिश पड़ रही है, मुकदमा। ठीक है।